हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलारा एकेडमी। आज हम क्लास थर्ड EVS के अंदर चैप्टर नंबर 3 एनिमल वर्ल्ड पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हमने लास्ट में पढ़ा था कि साइज ऑफ एनिमल्स, अलग अलग साइज़ के जो एनिमल्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जब अगर हम कहीं पर जू के अंदर चिड़ियाघर के अंदर घूम कर आते हैं तो वहाँ पर हम जो एनिमल्स को देखते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है, उनका जो साइज़ होता है, आकार होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ जो एनिमल्स होते होगा तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, वेरी बिग होते हैं, जैसे कि जिराफ, एलिफेंट। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा है कि कुछ जो एनिमल्स होते क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बिग होते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, ज़ेब्रा। ओके, उसके बाद पढ़ा था कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जैसे कि डियर हो गया, मंकी, रैट, रैबिट और स्क्विरल्स, ये सभी क्या हमारे स्मॉल एनिमल्स के अंदर आते हैं। इसके बाद क्या है, कुछ जो एनिमल्स होते क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, एंट। ठीक है, जैसे कि देखिए नीचे इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे कि जो एलिफेंट है वो हमारा कहाँ आता है, वेरी बिग एनिमल्स के अंदर आता है, लायन हमारा बिग एनिमल्स के अंदर आता है, जिराफ है, वेरी बिग एनिमल है, हाउस फ्लाई वेरी स्मॉल एनिमल, एंट वेरी स्मॉल एनिमल, स्क्विरल स्मॉल एनिमल, डियर स्मॉल एनिमल, क्रोकोडाइल बिग एनिमल, रैबिट हो गया स्मॉल एनिमल्स के अंदर, काउ आ जाएगा बिग एनिमल्स के अंदर, मंकी स्मॉल एनिमल्स, और जेब्रा जो हो भी हमारा बिग एनिमल्स के अंदर आते हैं। ओके, तो इसके बाद हम मूवमेंट इन एनिमल्स, अलग अलग जो जानवर हैं वो अलग अलग तरह के ऐसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स हो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव करते रहते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट होते हैं वो मेनली कहाँ कहाँ होती, किस चीज़ के लिए होती है, फूड और वाटर के लिए। ठीक है, खाना, पानी के लिए, खाने की सर्च के अंदर जो एनिमल्स है, पानी की सर्च के अंदर जो एनिमल्स है वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, लुकिंग फॉर शेल्टर, घर को ढूंढने के लिए। ठीक है, कहीं पर रहने के लिए उनको जगह भी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसकी सर्च के अंदर उसको ढूंढते ढूंढते एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उसका प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़, ठीक है, अपने आप को जो एनिमीज़ होते हैं, दुश्मन होते हैं जो इनके, उनसे बचाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ओके, उसके बाद आता है मूवमेंट ऑन लैंड, लैंड के ऊपर जो मूवमेंट होती है एनिमल्स के, वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए, एनिमल्स लाइक चीता, हॉर्स एंड ज़ेब्रा आर गुड रनर, दे यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट। ठीक है, जैसे कि जो इन्होंने बताया, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि चीता हो गया, हॉर्स या फिर ज़ेब्रा, ठीक है, क्या बहुत ही ज़्यादा क्या है, अच्छे रनर हैं, दौड़ने वाले एनिमल्स हैं, बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, इन एनिमल्स के जो लेग होते हैं, पैर होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, जिससे कि क्या ये बहुत ही तेज़ दौड़ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फोटो के अंदर इन्होंने बताया गया है, ए चीता रन वेरी फास्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स फोर स्ट्रॉन्ग लेग्स। जो चीता होता है वो क्या होता है, बहुत ही तेज़ दौड़ता है। किस वजह से दौड़ता है, कि जिनके जो लेग्स होते हैं, जिनके पैर होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने मजबूत पैरों की वजह से वो चीता वो बहुत ही तेज़ दौड़ता है। ओके, इसके बाद देखिए, एनिमल्स लाइक काओ, बफेलो एंड एलिफेंट्स वॉक ऑन लैंड विद देयर फोर लेग्स। एनिमल्स लाइक एप्स एंड बियर्स कैन वॉक विद देयर टू हिंड लिम्स। ठीक है, क्या बताया गया है, एनिमल्स होते हैं जैसे कि जो काउज हो गए, बफेलोज या फिर जो एलिफेंट्स होते हैं, या लैंड के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, किसके द्वारा, विद देयर फोर लेग्स, उनके जो फोर लेग्स चार टांगे होते हैं, चार पैर होते हैं, उनके द्वारा वो मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो एनिमल्स हमारे जैसे कि एप्स हो गए, बियर्स हो गए, ठीक है, क्या होते हैं, अपने टू हैंड लिम्स के द्वारा, जो अपने पैर होते हैं, दो पैरों के द्वारा ये चलते हैं। ठीक है, एप्स या फिर बियर्स। उसके बाद है कंगारो, ग्रास ऑफर्स एंड रैबिट आर होपिंग एनिमल्स। और उसके बाद बताया गया जो कंगारो होता है, ग्रास ऑफर होता है, रैबिट होता है, ठीक है, सभी क्या होते हैं, होपिंग एनिमल्स होते हैं।
कूद कर चलने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने कहीं पर भी जाना है तो ये हमेशा होपिंग कर कर जाएंगे, कूद कर जाएंगे, ठीक है। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल हैव लेग्स बट दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि लिजार्ड, टॉर्टोइस, टर्टल, क्रोकोडाइल, ठीक है। लिजार्ड क्या होती है, शिवकली, टॉर्टोइस कछुआ, टर्टल्स भी कछुआ होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, इन सभी के क्या होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा ग्राउंड के ऊपर रेंग कर चलते हैं, क्वारल कर कर चलते हैं, ठीक है। स्नेक्स एंड अर्थवर्म हैव नो लेग्स, जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं या फिर जो अर्थक्वेक होते हैं, इनके लेग्स नहीं होते हैं। दे ऑल्सो क्वारल ऑन द लैंड, ये भी क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर क्वारल कर कर रेंग कर चलते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट, बीटल, लाइस एंड बग्स हैव सिक्स लेग्स टू वॉक और क्वारल, ठीक है। जो दूसरे इंसेक्ट होते, छोटे 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 कीट होते हैं जैसे कि एंट, चीटी, बीटल्स, लाइस या फिर जो बग्स होते हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं, छः छः पैर होते हैं, सिक्स लेग्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ज़मीन के ऊपर चलते हैं या फिर क्वारल करते हैं, रेंग कर वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, इसके बाद है बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। दे मूव इन एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। वो क्या करते हैं, एयर के अंदर मूव करते हैं, उड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इवन इंसेक्ट्स, इसके साथ साथ जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि वाशअप या फिर बटरफ्लाइज होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, दो टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, दो पेयर्स होते हैं फ्लाई विंग्स के, ठीक है। पंख के दो पेयर होते हैं, किसके लिए, फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। द हाउस फ्लाइज हैव ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई, जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी होती है, उसका सिर्फ एक पेयर होता है विंग्स का उड़ने के लिए। इवन बैट हैव विंग्स टू फ्लाई, इसके साथ साथ जो बैट होते हैं, ठीक है, चमगादड़ होते हैं, उनके भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर बहुत ही तेज दौड़ते हैं, रनर होते हैं, जैसे कि चीता, हॉर्स, ज़ेब्रा, ठीक है। उनकी क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं रन करने के लिए। उसके बाद है जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काओ, बफेलो, एलिफेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं, चार पैरों के ऊपर चलते हैं, फोर पैर, चार पैरों की मदद से ज़मीन के ऊपर चलते हैं। इसके साथ साथ जो एप्स होते हैं, पियर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये अपने दो पैरों की मदद से, दो हिंड लिम्स की मदद से चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ग्रास ऑफर्स होते हैं या फिर कंगेरोज होते हैं, रैबिट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, होपिंग कर कर चलते हैं, कूद कूद कर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था हमने लिजार्ड, टॉर्टोइस, टर्टल, क्रोकोडाइल, ठीक है। इनके क्या होते हैं, पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, लेकिन क्या है, ये हमेशा रेंग कर चलते हैं, ग्राउंड के ऊपर रेंग कर क्वारल करके चलते हैं, ठीक है। स्नेक्स और जो अर्थवर्म होते हैं, इनके क्या, पैर नहीं होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये भी ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर रेंग कर चलते हैं, क्वारल करके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो बहुत ही ज़्यादा छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, जैसे कि एंट, बीटल, लाइस, बग्स, ठीक है। इनके क्या होते हैं, छः छः पैर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, चलते हैं या फिर क्वारल करके रेंग कर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, इनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एयर के अंदर, हवा के अंदर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि वाशअप, बटरफ्लाई, इनके भी क्या होते हैं, दो पेयर होते हैं विंग्स के, फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हाउस फ्लाइज होते हैं, इनके क्या होते हैं, एक पेयर होता है विंग्स का फ्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ जो बैट होते हैं, ठीक है, उनके भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, ओके। तो इसके बाद देखिए दो क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होपिंग एनिमल, निम्न में से कौन सा जो होपिंग एनिमल है, कूद कर चलने वाला एनिमल कौन सा है, चीता, हॉर्स, कंगारू। तो इसका आंसर आ जाएगा कंगारू।
विच वन हैज़ नो लेग्स, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके पास लेग्स नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, स्नेक, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्नेक, स्नेक के पास लेग्स नहीं होते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिशेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।